नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अफ्रीकी देश कैमरून में पटरी से उतरी यात्री ट्रेन, 50 यात्रियों की मौत, 300 से ज्यादा घायल, बचाव और राहत कार्य में जुटी पुलिस। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बढ़ाई जाएगी हिंदू मंदिरों की सुरक्षा। अखबार डॉन के अनुसार 40 करोड़ की परियोजना का खाका किया गया है तैयार। चीन में तूफान हेमा की वजह से गुआंगडोंग प्रांत में हुआ भूस्खलन, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को किया गया बंद। संयुक्त राष्ट्र ने अलेप्पो में हुए हवाई हमलों को बताया युद्ध अपराध, जांच कराने की घोषणा की। आईसिस के खिलाफ रूसी और सीरियाई विमानों की ओर से की गई भीषण बमबारी में करीब 500 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी सेना से मांगी मदद, गुलाम कश्मीर में भारत की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के दावे का उड़ाया मजाक। रूस के साइबेरिया में खराब मौसम की वजह से MI-8 हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 21 लोगों की मौत, 3 घायल, हेलीकॉप्टर के दोनों ब्लैक बॉक्स हुए बरामद। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।